हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू चेरिश एकेडमी आई होप ऑल ऑफ़ यू आर सेफ एट योर होम्स एंड ऑल ऑफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स रियली वेल जैसे कि आपको पता है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट्स आ चुकी हैं सो इट्स स्केड्यूल्ड फ्रॉम मे फोर ठीक है मे uh, फोर so से सी बी बोर्ड एग्जाम स्केड्यूल्ड हैं आज के वीडियो में मैं एस एस टी की स्टेप बाई स्ट्रैटजी डिस्कस करने वाली हूँ एंड आई एम गारंटिंग कि ये जो स्ट्रैटजी है ये बिल्कुल बेस्ट है और आपने ऐसी स्ट्रैटी कहीं ना सुनी होगी ना कभी फॉलो करी होगी ठीक है सो बेसिकली मे फोर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं एंड आपके पास बेसिकली जनवरी आधा है फेबररी है मार्च है और अप्रैल है ठीक है तो आई विल कंसिडर इट एज थ्री मंथ्स ठीक है मैं तीन महीने कंसिडर करूँगी कि आपके पास तीन महीने फुल फ्लैजड हैं अपनी एस की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के अपनी एस की प्रिपरेशन को अच्छा करने के आई नो कि आप लोग पूरे साल स्कूल नहीं गए हैं ऑनलाइन क्लासेज हुई हैं आपने कोई टेस्ट नहीं दिए हैं आपको कुछ नहीं पता है कि आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं आपको कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है ठीक है आई नो ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे होते हैं ठीक है तो काफ़ी बच्चों को नहीं पता है कि कैसे आपको एक एग्जाम में आंसर्स लिखने पड़ेंगे कैसे आपको अपनी प्रेजेंटेशन टिप्स इंप्रूव करनी पड़ेगी ठीक है और कैसे आपको प्रिपेयर करना है दैट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में कवर करूँगी एंड ट्रस्ट में मैंने आज के वीडियो के आज के वीडियो के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी है आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू वट आई फील लाइक ऐसी स्ट्रैटेजीज जो कि मैंने देखी है लास्ट दो तीन साल में वर्क करी है बच्चों के लिए जितने मैंने टॉपर्स के इंटरव्यू लिए हैं उसके हिसाब से तो मैं आपको बेस्ट स्ट्रैटी बताने वाली हूँ आज सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड और एक और डिस्क्लेमर है अगर आप लोग मेरे चैनल से पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग मेरे चैनल के एजुकेशनल वीडियोज़ देखते हैं आप लोग चैप्टर्स के एक्सप्लेशन देखते हैं एस वगैरह के तो ही आप लोग आ, ये वीडियो देखिए बिकॉज ये जो आज का मैं वीडियो बताने वाली हूँ ये मैं अपने चैनल के रिस्पेक्ट में बताने वाली हूँ ठीक है क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आप लोग किस सोर्स से पढ़ रहे हैं अगर आप लोग अपनी टीचर्स से पढ़ रहे हैं स्कूल की तो मुझे नहीं पता वो कैसे पढ़ाते हैं अगर आप लोग कोई और चैनल से पढ़ रहे हैं तो मुझे ये भी नहीं पता कि उनका पढ़ाने का क्या तरीका है? है? ठीक फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग मेरे चैनल से पढ़ते हैं मेरे चैनल के एजुकेशनल वीडियो फॉलो करते हैं मेरे चैनल से आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़े हैं तो मैं उसी की ही गारंटी ले सकती हूँ अगर आप लोग अपनी टीचर्स से पढ़ रहे हैं स्कूल की या फिर अगर आप लोग किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं पता है कि वो कैसा पढ़ाते हैं तो उनकी गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ राइट सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज़ द डिस्क्लेमर ठीक है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं देखो एस के बारे में यार काफ़ी बच्चों का बहुत ही गलत परसेप्शन है कि इट इज़ बोरिंग इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग रटना पड़ता है ठीक है मैं सिर्फ आपको ये बोलूँगी आप लोग एक एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे देख लीजिए किसी भी चैप्टर का किसी भी चैप्टर का आप लोग एक एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे देख लीजिए आप लोगों का परसेप्शन टूवर्ड्स एस एस टी देन एंड देयर चेंज हो जाएगा ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस एस टी के टुवर्ड्स अपना परसेप्शन चेंज करना ठीक है आई स्टिल रिमेंबर जब मैं सेवेंथ क्लास में थी एंड जब मैं एट्थ क्लास में थी आई यूज टू हेट सोशल स्टडीज लाइक आई यूज टू हेट इट लाइक एनी थिंग एंड द मोमेंट आई रियलाइज कि यार इसको भी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा जा सकता है इस इसको भी बहुत अच्छी तरीके से पैराग्राफ्स पढ़ के उनको समझ के आंसर फ्रेम किया जा सकता है और अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं आई जस्ट लव एस एस टी ठीक है तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल में वॉज एस एसटी ठीक है तो आप लोग को मेक श्योर sure करना है कि चाहे आपको नाइन्थ में एस एस टी कैसी भी लगती थी चाहे आपको अभी तक कैसी भी लगती थी आपके बाद आपको परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी लगती है तो दैट्स वेल एंड गुड बाकी अगर किसी को ऐसा लगता है कि बोरिंग है लेंदी है तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर नाइस मार्क्स इन सी बी एस ई बोर्ड्स दैट्स माई गारंटी अगर आप लोग ये परसेप्शन लेके पढ़ोगे कि बोरिंग है अब तो करनी पड़ेगी कैसे भी तीन महीने बच गए हैं रट्टा मारो तो आप लोग नहीं पढ़ पाओगे ठीक है ट्राई टू टेक इंटरेस्ट इन एस एस टी कितनी इंटरेस्टिंग होती है यू कैन जस्ट मतलब आप लोग खुद सोचो कि इकोनॉमिक्स कितनी ईजी होती है कितनी इंटरेस्टिंग होती है ठीक है डी पी के अंदर कितने अच्छी तरीके से आपके एन सी आर टी में पॉइंट्स बने हुए रहते हैं हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री के अंदर काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है और काफ़ी बच्चे बोलते हैं हिस्ट्री में बहुत रटना पड़ता है हमको याद नहीं रहता आप लोग मेरे चैनल पे वीडियोस देखो आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री इज़ नॉट बोरिंग एट ऑल आप लोग अगर उसको समझ के करोगे तो दैट विल बी वे टू ईजी राइट तो एस में अगर आप लोग ये वाली मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो 95 प्लस मार्क्स आपके आने पक्का ही हैं ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एस एस टी इज बोरिंग एस एस टी इज वेरी इंटरेस्टिंग अमंग ऑल योर सब्जेक्ट एस इज मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एस है ठीक है आपके सारे सब्जेक्ट्स में से राइट सो दिस इज पॉइंट नंबर वन नाउ कम्स पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर कि आप लोग किस तरीके से तीन महीने में प्रिपरेशन करें ठीक है तो मैंने आपको अपने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि मैं कभी भी इस आ, मतलब मैं कभी भी बिलीव नहीं करती हूँ कि मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊं कि आप लोग सात बजे उठना आठ से दस ये चैप्टर करना दस से बारह ये चैप्टर करना बिकॉज मेरे हिसाब से हर बच्चे का अलग होता है ठीक है किसी बच्चे को रात में पढ़ना अच्छा लगता है किसी बच्चे की सुबह ऑनलाइन क्लासेस होती है कोई बच्चा सुबह किसी और काम में बिजी होता है तो आई जस्ट नॉट कॉमेंट ऑन दैट सो टाइमिंग मैं आज के वीडियो में आपको लो, आप लोग को नहीं बताऊंगी आई आई विल जस्ट टेल यू द टारगेट्स ठीक है जो टारगेट्स आपको खत्म करने हैं मैं वो आपको बताऊंगी टाइमिंग मैं कभी भी नहीं बताऊंगी आपको मेरे वीडियोज में ठीक है सो प्लीज़ मेक श्योर टू लिसन इट अप केयरफुली ठीक है सो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट वॉट दे डू इज कि वो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं बिकॉज दे थिंक की इकोनॉमिक्स ईजी होती है नो दिस इज नॉट द वे यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द पॉइंट्स जिसमें आप वीक हो राइट एंड हिस्ट्री एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर काफ़ी बच्चे वीक होते हैं और हिस्ट्री बाक़ी जोग्राफी डीपी और इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट भी है तो आप लोग को स्टार्ट करना है हिस्ट्री से ठीक है डेफिनेटली आप लोग को हिस्ट्री से ही स्टार्ट करना है ठीक है हिस्ट्री में यू हैव ओनली टू चैप्टर्स सिर्फ दो चैप्टर्स हैं विच इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया ठीक है नेशनलिज्म इन इंडिया से इजी कोई चैप्टर नहीं है आप एट्थ क्लास में सेवेंथ क्लास में इनफैक्ट बचपन से ही आप लोग ये स्टोरी सुनते आ रहे हो सत्याग्रह इंडिया की फ्रीडम वही सब है इस चैप्टर में ठीक है उसके अलावा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप मेरे चैनल पर तो मैं गारंटी कर सकती हूँ अगर आप लोग मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो दैट इज वेरी 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 इजी चैप्टर ठीक है आप लोग को जस्ट उस चैप्टर का फ्लो समझना है ठीक है क्योंकि एनसीआर टी में वो चैप्टर इस तरीके से दिया हुआ है कि आप लोग इवेंट्स के बीच में कोरिलेट नहीं कर पाओगे ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दोनों चैप्टर एनसीईआरटी से ही पढ़ने हैं दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया ये दोनों चैप्टर काफ़ी बच्चे नोट्स बनाने लग जाते हैं काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि वो नोट्स के सोर्सेज ढूंढते हैं कहीं ऑनलाइन नहीं ये दोनों चैप्टर आपको एन से ही पढ़ने हैं कोई भी नोट्स ऐसे आपको नहीं मिलेंगे जो कि ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कवर कर दे एन के अलावा तो एन से ही पढ़ने हैं अगर अभी तक आपने एन नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ो बट प्लीज़ मेक श्योर टू रीड बोथ ऑफ दीज चैप्टर्स फ्रॉम एन काफ़ी बच्चों को एनसीआर की लैंग्वेज टफ लगती है अब वो बोलने का टाइम नहीं है अगर आप लोग को एनसीआर समझ नहीं आ रही है तो वॉच माई वीडियोस दिस इज ओनली सोल्यूशन वॉच माई वीडियोज आप लोग को सिर्फ वीडियोज देखने हैं उसके बाद आपको क्या करना है ये मैं बहुत बार बता चुकी हूं आपको वीडियोस देखने हैं जस्ट नीड टू वॉच द वीडियो ठीक है देन जस्ट नीड टू रीड द चैप्टर विदाउट यू नो विदाउट टेकिंग द टेंशन कि आपको इसको रट्टा मारना पड़ेगा ठीक है अगर आप लोगों ने वीडियो में समझ लिया और एक बार आपने रीड कर लिया चैप्टर को बाय हार्ट तो आपको सेवेंटी परसेंट चैप्टर उधर ही याद हो जाएगा ठीक है बाकी बचता है थर्टी परसेंट चैप्टर वही प्रॉब्लम करता है क्योंकि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ ईयर्स ऐसे होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वीडियो में वीडियो में पूरी मैंने सत्याग्रह की स्टोरी बता दी ठीक है चंपारण मूवमेंट की स्टोरी बता दी बिहार वाले ठीक है तो वो आपकी स्टोरी माइंड में बैठ गई ठीक है जस्ट आपको बुक से क्या करना है रीड करना है और नाम याद करना है सिर्फ ये पार्ट आपका है ठीक है बाकी हिस्ट्री इज इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी स्टोरी आप लोग एक बार वीडियो में सुन लेते हो वो आपको वैसे ही याद हो जाती है बुक से आपको क्या करना है जस्ट आपको रीड करना है और आपको नेम्स और इंपॉर्टेंट इवेंट्स के नाम याद रखने हैं दैट इज़ इट सिर्फ आपको इतना सा करना है ठीक है तो हिस्ट्री में मैं बोलूंगी कि आपको पर चैप्टर फाइव डेज देने हैं ठीक है थीके? अच्छा अब फाइव डेज फॉर द राइज ऑफ़ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड फाइव डेज फॉर नेशनलिज्म इन इंडिया ठीक है अब ये फाइव डेज में आप लोग कितने घंटे दे रहे हैं दैट डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग है अगर किसी बच्चे ने कोई चैप्टर अच्छे से कर रखा हो तो वो इन पाँच दिन में दो दो घंटे दे सकता है सिर्फ ठीक है अगर किसी बच्चे ने चैप्टर अच्छे से नहीं कर रखा तो वो इन पाँच दिन में तीन चार तीन चार घंटे देगा ठीक है सो दैट डिपेंड्स ऑन यू आपको पाँच घंटे पाँच दिन एक चैप्टर को देने हैं पाँच दिन दूसरे चैप्टर को देने हैं ठीक है दैट इज़ टेन डेज में आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि इतना बड़ा चैप्टर है हमको हर चीज़ याद कर याद रखनी पड़ेगी दिस इज़ नॉट ट्रूथ मैंने आपको बताया आप लोग एक बार वीडियो देख लोगे ना आपको सेवेंटी चैप्टर याद हो जाएगा बिकॉज वीडियो इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी स्टोरी आपको 70 परसेंट याद हो गई उसके बाद 30 परसेंट तो सिर्फ और सिर्फ नाम है और इवेंट्स के नाम है और ईयर के नाम है दैट इज इट ठीक है तो इन पाँच दिन में आपको हिस्ट्री कंप्लीट करनी है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लिया चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको मेक श्योर sure करना है कि आप लोग खुद से पूछें ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक बार आपने चैप्टर रीड कर लिया लर्न कर लिया लर्न करने के बाद आप लोग आप लोग को टॉपिक्स खोलने हैं सिर्फ टॉपिक्स खोलने हैं ऊपर ऊपर जो हेडिंग्स लिखी होती है वो खोलनी है एक रूम को बंद कीजिए अपने आप से वो टॉपिक पूछिए ठीक है अपने अपने माइंड में वो टॉपिक्स रिसाइड कीजिए ज द करेक्ट वे और जिन भी बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं एस एस टी में वो ऐसे ही आते हैं क्योंकि एस एस टी में भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं सो so, आपने चैप्टर को वीडियो uh, देख लिया रीड कर लिया लर्न कर लिया अपने इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स उसके बाद आपको क्या करना है आपको खुद का टेस्ट लेना है सेल्फ एवेल्यूएटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस ऑनलाइन एरा आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं दैट्स नॉट एन एडवांटेज दैट्स ठीक है आपके एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं दैट्स अ डिसएडवांटेज तो सेल्फ इवेलुएशन कीजिए जितने भी लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं जितने भी टॉपर्स एस एस के लिए पढ़ते हैं ऑल द डू इज़ सेल्फ इवेल्यूएशन ठीक है आप लोग एक कमरे को बंद कीजिए टॉपिक्स देखिए एनसीआर में से एंड ट्राई टू रिमेंबर एंड ट्राई टू रिसाइड दोज टॉपिक्स उन टॉपिक्स को माइंड में रिवाइज करने की कोशिश कीजिए और रिसाइड करने की कोशिश कीजिए दिस इज़ वे टू इंपॉर्टेंट ठीक है अदरवाइज एस में इतनी सारी चीज़ें होती है आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे और आप लोग भूल जाओगे ठीक है तो मैंने आपको फोर स्टेप स्ट्रैटेजी बताई हिस्ट्री करने की सबसे पहले आपको वीडियो देखना है उसके बाद आपको क्या करना है एनसीईआरटी रीड करनी है उसके बाद आपको लर्न करना है एंड उसके बाद यू नीड टू रिसाइट और रिकॉल अगर आपको रिसाइट नहीं करना है तो आप लोग रिकॉल कीजिए याद करने की कोशिश कीजिए सारे इवेंट्स सिर्फ टॉपिक देख के ओके okay, सो so, uh, इस तरीके से आपकी दस दिन में बहुत ही अच्छी तरीके से हिस्ट्री की प्रिपरेशन हो जाएगी ठीक है इंक्लूडिंग ऑल दी क्वेश्चन आंसर्स ठीक है क्वेश्चन आंसर्स भी आपको ऐसे रिसाइट करके रिकॉल करके ही याद करने हैं ठीक है इस तरीके से हिस्ट्री की प्रिपरेशन दस दिन में आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगी कमिंग टू ईको आई डोंट थिंक कि ईको में किसी भी बच्चे को कुछ भी एडवाइस की ज़रूरत है फिर भी मैं बता देती हूँ इकोनॉमिक्स में अगर आप लोग वीडियो नहीं भी देखो तो चलेगा बिकॉज इट्स वे टू इजी आप लोग सिर्फ एन रीड करके बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो बट प्लीज़ मेक श्योर कि जो एन में हर चीज़ है फॉर एग्जांपल जो स्टोरीज़ हैं वो भी आप लोग अच्छी तरीके से कीजिए क्योंकि होता क्या है कि काफ़ी बच्चे वो स्टोरीज छोड़ देते हैं एंड वो स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कभी कभी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए या फिर uh, uh, कभी आपको किसी क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिखना हो तो उसके लिए भी स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं तो डू नॉट लीव दो स्टोरीज कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है सो so, इकोनॉमिक्स में यू है फोर चैप्टर्स डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन मनी एंड क्रेडिट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चारों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इजी हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शन सेक्टर सॉरी टर्शरी सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप के हिसाब से ठीक है मनी एंड क्रेडिट में यू हैव लोन एक्टिविटीज़ क्रेडिट सिचुएशनस फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर ग्लोबलाइजेशन भी बहुत ईजी है दैट इज़ इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट में तो कुछ है ही नहीं इट्स जस्ट अबाउट जी डी पी एंड इनकम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड दैट ठीक है तो इकोनॉमिक्स इज़ मतलब कभी कभार मुझे लगता है इट इज़ वे टू ऑब्वियस ठीक है बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है इकोनॉमिक्स तो आप लोग इकोनॉमिक्स को बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं यू जस्ट नीज नीड कंसिस्टेंसी आपको इकोनॉमिक्स को छोड़ना नहीं है ठीक है काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि हम लोग एंड टाइम पर कर लेंगे बोर्ड्स हैं तो हम लोग उसी टाइम पर कर लेंगे क्योंकि बहुत ईजी है तो ऐसे नहीं करना है आपको आप लोग को हर एक चैप्टर पढ़ना है और उसके एनसीआरटी में से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बाय रिसाइटिंग एंड रिकॉलिंग रिसाइटिंग एंड रिकॉलिंग की आप लोग नहीं भूलोगे बिकॉज इससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा ट्रस्ट में ठीक है इकोनॉमिक्स मैं आप लोग पे छोड़ रही हूँ अगर कोई बच्चा अगर किसी बच्चे की अच्छी ग्रेस्प है इकोनॉमिक्स पे तो आप लोग दो दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली टेक फाइव टू सेवन डेज टू कंप्लीट इकोनॉमिक्स नॉट मोर देन सेवन डेज ठीक है सेवन डेज इज़ मैक्सिमम तो हिस्ट्री के बाद आप लोग को इकोनॉमिक्स करनी है ठीक है प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो दिस ऑर्डर ये ऑर्डर फॉलो करना कि सबसे पहले हिस्ट्री करो उसके बाद इकोनॉमिक्स करो ठीक है उसके बाद यू जस्ट नीड टू जंप ऑन टू जोग्रफी ठीक है ज्योग्राफी में देखो सबसे पहला पॉइंट मैं बता देती हूँ मैप्स का मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ मैप्स का ठीक है तो देखो मैप के अंदर क्या है मेरे चैनल पे एक वन आवर का वीडियो है ओनली एक घंटे का वीडियो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी प्लीज मेक श्योर टू चेक दैट आउट मोस्ट अंडर रेटेड वीडियो है वो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने एक दिन पूरा मेहनत करके वो वीडियो बनाया था एंड नोबडी इज वॉचिंग दैट ठीक है और आप लोग कंटिन्यूअसली मुझे मैसेज करते रहते हो कि मैम मैप्स कैसे करने मैप्स कैसे करने उस वीडियो में जितने भी सी बी बोर्ड्स में आपके मैप आने वाले हैं ना वो सारे कवर्ड हैं सिर्फ एक घंटे में एंड उस वीडियो को बनाने के लिए मुझे एक दिन लगा था तो यू यू कैन जस्ट इमेजिन ठीक है एक घंटे में मैंने आपको सारे के सारे मैप्स पढ़ा दिए हैं जो भी सी बोर्ड्स में आने वाले हैं सो बेसिकली वाटर रिसोर्सेज के भी मैप आपके एग्जाम में आएंगे सी सी बोर्ड के एग्जाम में आप लोग को पता होना चाहिए सिलेबस के बारे में तो so, जितना भी मैप का सिलेबस आएगा ठीक है सारा का सारा उस वीडियो में कवर्ड है एक घंटे का वीडियो है इसी साल के लिए मैंने बनाया है प्लीज मेक श्योर टू वॉच दैट आफ्टर मैप का झंझट इज ओवर नाउ आई एम टू टॉक अबाउट द बेसिक थिंग्स इन ज्योग्राफी ठीक है ज्योग्राफी के चैप्टर्स सबसे पहले रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ठीक है उसके बाद यू हैव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड उसके बाद लाइफ ऑफ नेशनल इकोनॉमी ठीक है जो वाटर रिसोर्सेस है वो थ्योरी से हट चुका है ठीक है और एग्रीकल्चर भी थ्योरी में है लेट मी राइट एग्री कल्चर ठीक है वाटर uh, रिसोर्सेज हट चुका है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हट चुका है मिनरल्स uh, वाला जो चैप्टर है वो भी हट चुका है तो ये फोर चैप्टर्स है ठीक है अब बात करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी एग्रीकल्चर और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी 40 40 मिनट्स के मेरे चैनल पे दो वीडियोस हैं एक है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी का एक है एग्रीकल्चर का अगर वो वीडियो देख के चले गए हो आप लोग एग्जाम में तो डेफिनेटली आपके इन दोनों चैप्टर्स में फुल मार्क्स आने वाले हैं दैट इज माई गारंटी ठीक है तो आप लोग को क्या करना है एग्रीकल्चर के वीडियो देखने हैं तो जो मैंने एग्रीकल्चर का वीडियो बनाया उसके अंदर टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में कि आपको टैबुलर फॉर्म में पता हो आपको डिफ्रेंस बताओ अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज टू अनदर लेवल ठीक है तो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इन टैबिलर फॉर्म तो आप लोग जाके एग्रीकल्चर और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी के वीडियोज देखोगे देन यू विल रीड ज्योग्रफी ठीक है जोग्रफी में क्या होगा कि जोग्राफी में आपको लगेगा कि आ, पूरे पूरे चैप्टर्स में आपको सब कुछ ही याद करना है ठीक है ऐसा नहीं है अगर आप लोग एक बार वीडियो देख लेते हो तो वीडियो के अंदर भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और मैंने ट्रिक्स ऐसी बताई हैं जिससे आपको लगेगा कि भाई आपका बहुत सारा पोर्शन तो वीडियो के थ्रू ही कवर हो गया ठीक है उसके बाद काफ़ी कम चीज़ें रह जाएगी टू लर्न राइट ओके नाउ कम्स दिस टू चैप्टर्स रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी आपको एनसीआरटी से ही पढ़ना है ये जो दो चैप्टर्स हैं ये टाइम मांगते हैं ठीक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट टाइम मांगता है आपको सॉयल के बारे में पढ़ना पड़ता है आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी यू you नो know, uh, मुझे ये चैप्टर ये दोनों चैप्टर्स के अंदर ऐसा लगता है कि बच्चों को ज़्यादा टाइम डिवोट करने की ज़रूरत है क्योंकि इसके अंदर भी इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है काफ़ी नेशनल इकानमी के बारे में है इंडस्ट्रियल लोकेशनस के बारे में है ठीक है सो प्लीज़ मेक श्योर टू डिवोट टाइम टू दिस टू दीज टू चैप्टर्स ठीक है तो जोग्रफी के लिए मैं सबसे ज़्यादा टाइम रखी हूँ दैट इज फिफ्टीन डेज फिफ्टीन डेज़ में आपको जोग्रफी कवर करनी है एग्रीकल्चर और लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी के बारे में मैंने बता दिया है मैप के बारे में मैंने बता दिया है उसके अलावा मैंने आपको ये बोला है कि रिसोसेज एंड डेवलपमेंट और मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के आप लोग वीडियो देख सकते हो अदरवाइज यू हैव टू डिवोट योर ओन टाइम ऑल्सो क्योंकि ये दो चैप्टर्स टाइम मांगते हैं राइट तो फिफ्टीन डेज फिफ्टीन डेज़ में आप लोग कैसे भी डिवाइड कर सकते हो ठीक है आप लोग फोर फोर डेज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो पर चैप्टर ठीक है और मैप के लिए वन एक दो दिन लग सकते हो ठीक है बट प्लीज मेक श्योर की फिफ्टीन डेज से ज्यादा क्रॉस ना हो वरना आपको जोग्राफी पढ़ने का मन ही नहीं करेगा यू विल ऑलवेज भी कॉन्टम्पलेटिंग मैं कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा एंड दैट नेवर एवर कम राइट अगर आप लोग जोग्रफी को हेट करते हो या फिर आप लोग को बहुत ज्यादा जोर आता है पढ़ने में तो नाउ इज द टाइम स्टार्ट स्टार्टिंग ओके नाउ कम्स डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिक्स और डीपी ठीक है डीपी आपकी बहुत ज़्यादा इजी है देखो आप लोग नाइन्थ से डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हो एंड दैट्स व्हाट उसी चीज़ को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के आपको टेंथ में बताया गया है कुछ भी नहीं है डीपी में सबसे पहला चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग उसके बाद है फेडरलिज्म उसके बाद यू हैव पॉलिटिकल पार्टीज उसके बाद है, है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आईड राइट इट हेयर आउटकम ठीक है ये चार चैप्टर्स है ठीक है इस डी uh, पी में आपको क्या करना होता है डीपी में जो बेसिकली आपके चैप्टर में पॉइंट होते हैं डीपी की एनसीआरटी बाकी तीनों की एन के कंपैरिजन में मुझे सबसे अच्छी लगती है बिकॉज उसमें पॉइंट्स के फॉर्म में सब कुछ लिखा होता है तो जो डी में पॉइंट्स हैं वो आपको रिमेंबर करने ही हैं ठीक है ये चारों चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर चैप्टर में ही काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं ठीक है तो आपको पॉइंट्स अलग से फ्रेम भी नहीं करने पड़ेंगे चैप्टर में ही पॉइंट्स हैं आपको वही के वही याद करने हैं फ्रॉम एन ठीक है तो डी आपको इस तरीके से कम्प्लीट करनी है यू कैन डेफिनेटली वॉच माई वीडियोज़ इन चारों चैप्टर्स पर जो वीडियोज़ हैं वो बने हुए हैं यू कैन गो ऑन द चैनल एंड वॉच दैम एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली डी पी के लिए आई विल डिट टेन टू फिफ्टीन डेज ठीक है तो फिफ्टीन डेज मान के चलो फॉर डी पी ठीक है तो मैंने आपको स्टार्टिंग से क्या बताया टेन डेज़ फॉर हिस्ट्री सेवन डेज़ फॉर इकोनॉमिक्स फिफ्टीन डेज फॉर डी पी एंड फिफ्टीन डेज़ फॉर जोग्रफी ठीक है सो दैट कम्स आउट टू बी अराउंड टू मंथ्स अराउंड दो महीने मान लूँ मैं इसको क्योंकि हर बच्चे का कैपेबिलिटी अलग होती है ठीक है अराउंड मैं इसको दो महीने अगर मान रही हूँ तो उसके बाद वाला जो एक महीना है ना उसके अंदर आपको एस में एम सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अगर आपको जानना है कि न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एम सी क्यूज़ आपको कहाँ से सॉल्व करने हैं तो यू कैन जस्ट सर्च इट ऑनलाइन आप लोग ऑनलाइन एम सी क्यूज सर्च कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च कीजिए न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन सर्च कीजिए एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट अदरवाइज मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है uh, जो मैंने ओवरऑल स्ट्रैटजी बताई थी उस वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हो राइट सो दैट इज़ इट आई थिंक देखो ये जो मैंने स्ट्रैटी बताई आई एम ऑल्सो अ ट्यूशन टीचर ठीक है आई एम आई एम ऑल्सो अ टीचर एंड जिस तरीके से जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं मैं मैं उनको समझाती हूँ उसी तरीके से मैंने बहुत रॉ तरीके से आपको समझाया है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको अपना थोड़ा स्पेस मिले ठीक है कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि तुम इतने बजे उठो इतने घंटे ये चैप्टर करो इतने घंटे ये चैप्टर करो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी एस एस टी में अगर आप लोग अगर आप लोग को कोई बोले कि दो घंटे बैठ के डी पी करो तो नहीं होगी आपसे ठीक है जब आपका मन करेगा जिस तरीके से आपको उन फिफ्टीन डेज में टाइम डिवाइड करके डीपी करनी है जब आपका मन करेगा आप तभी कर सकते हो राइट सो प्लीज़ डू नॉट फॉलो दो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल्स बट ट्राई टू रिमेन स्ट्रिक्ट फॉर यू मतलब कि आप लोग आप लोग इस फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फिफ्टीन डेज डी पी के दिए हैं ठीक है तो आप लोग उन फिफ्टीन डेज में खुद के हिसाब से स्ट्रिक्टस लगाओ फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर सोच सोच रहे हो कि डी में मैं चार 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 घंटे पढ़ूँगा एक एक दिन में ऑल फिफ्टीन डेज चार चार घंटे पढ़ूँगा तो उसको फॉलो करो राइट टाइम आप खुद चूज़ कर सकते हो अपने लिए ठीक है दैट डिपेंड्स ऑन यू सो दैट्स वॉट एम ट्राइंग टू से कि टाइम आप लोग खुद चूज कर सकते हो ठीक है सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो अगर आप लोग को ऐसे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं ये तो काफ़ी लंबा बन गया वीडियो अगर आप लोग को ऐसे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आई विल लव टू मेक ऑल सब्जेक्ट स्ट्रैटजी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश फॉर साइंस मैथ्स एसेट्रा सो प्लीज़ राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आप लोग को ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए तो थैंक यू एंड हैव हैवे अस डे एंड प्लीज़ याद प्लीज़ डोंट फोरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में ठीक है तो आपके एक शेयर का बटन विल मीन अ लॉट ठीक है तो प्लीज आई एम ऑर्डरिंग यू नॉट रिक्वेस्टिंग यू प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर थैंक यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे प्रिपेयर वेल बाय